तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली अपनी आ गई है महिंद्रा 3XO, उसका नाम जो अपना कंपनी ने रखा है वो 3XO रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स के साथ अपनी इंडियन मार्केट में आ चुकी है, जिसका बेसब्री से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। मतलब जो भी अपने कार लवर्स थे, जिनको भी वो गाड़ी चाहिए थी, मेरे को भी वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब पसंद है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस गाड़ी के लिए। तो उस गाड़ी के जो भी फीचर्स वगैरह है और जो भी डिटेल्स हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए एंड तक और देखते रहिए। तो फाइनली आप देख सकते हैं अपनी महिंद्रा 3XO, जिसका नाम चेंज करके 3XO से 3XO कर दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। और अब मैं पीछे आपको लेके चलूँ तो उसमें अपना आपको एक कनेक्टेड टेल लैम्प जो है आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे से भी आपको सी टाइप उसमें अपना टेल लैम्प मिलने वाला है, और अपने आगे से फ्रंट से भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी सेम चीज़ जो है वो आपको दी गई है। प्लस आपको अपना बैक वाइपर भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और साथ साथ में इसमें आपको डिफॉगर भी जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको पीछे भी अपनी जो है न्यू वाली महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, और पीछे अपनी जो अपने डिज़ाइन है वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त पीछे से अपनी गाड़ी लगने लग रही है, और रात में तो क्या ही जो है अपनी कमाल अपनी गाड़ी ये लगने वाली है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो भाई आगे ले चलूँ अपने इस गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर में, तो आपको अच्छी खासी जो है अपनी एक पैनारोमिक सनरूफ जो है देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ में आपको अपने स्पीकर का जो अपने राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लस लेफ्ट साइड में दोनों साइड आपको जो है अपने स्पीकर भी ऊपर जो है देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। साथ में आपको पीछे एक कप होल्डर भी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा जो है अपना इंटीरियर इसमें ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। साथ में आपको अंदर अपना एसी वेंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ अपना जो एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले वो आपको इस गाड़ी में जो है देखने के लिए मिलने वाला है। तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमको देखने के लिए लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अच्छा फीचर है। लेके चलो आपको साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरीके जो आपको साइड प्रोफाइल इसमें देखने के लिए मिलने वाली है, तो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और साथ ही आपको अपना जो है अपना नॉर्मल एंटीना है वो देखने के लिए मिल जाएगा बस। और साथ में आपको जो अपनी अपने हल्का सा पियानो टच जो है आपको वो भी देखने के लिए मिल रहा है। दो शेड में जो है अपना गाड़ी का अपना इंटीरियर भी रहने वाला है, और साथ में जो कि अपना मतलब जो कलर टच है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है इसमें देखने के लिए लग रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो अपने अपडेट हुए हैं मतलब ऑफिशियली महिंद्रा की तरफ से। मैं आपको सीधे अपनी वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से जो है अपनी गाड़ी जो है देखने के लिए रहने वाली है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो अपना इंटीरियर और अपना एक्सटीरियर दोनों से ही जो है अपनी गाड़ी ये लग रही है। भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। पीछे आपको अपनी टेल लैम्प मिल जाएंगे कनेक्टेड सील शेप, प्लस आगे से भी आपको जो है अपने हेड लैम्प जो है अपने वो मिलने वाले हैं, प्लस अपना इसमें अपना फॉग लैम्प भी आपको मिलने वाला है, हाई बीम लो बीम दोनों, और साथ में आपको पैनारोमिक सनरूफ जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो कमाल की जो है अपनी विजिबिलिटी भी रहने वाली है इस गाड़ी में। ये जो अपनी गाड़ी है अपना 4 मीटर सब SUV सेगमेंट जो है उसमें रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ इस गाड़ी में आपको अपना एडास का फीचर जो है वो भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें आपको अपना वायरलेस चार्जिंग से लेकर रियर AC वेंट्स और एंड्रॉयड ऑटो प्लस उसके साथ एप्पल कारप्ले तो मिलने वाला ही है। उसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल चार्जर रियर USB पोर्ट जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको अपना जो न्यू स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको नया जो है अपना महिंद्रा का है वो भी आपको जो है इसमें मिलने वाला है। तो भाई इतने सारे फीचर जो हैं आपको मिलने वाले हैं इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलने वाला है, ड्यूल जोन फीचर जो है आपका वो भी मिलने वाला है। बाकी आगे मैंने और भी चीज़ें जो है आज वीडियो में बताई है वो भी आप सब देख सकते हैं अभी इस वीडियो में कंटिन्यू रह के। तो आइए अपनी उस वाली वीडियो पे भी चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे अपना इस गाड़ी की अपनी रोड प्रेजेंस से। तो भाई रोड प्रेजेंस तो उसकी क्या ही कमाल लग रही है। आप साइड में देख सकते हैं इसमें आगे इग्निस खड़ी है, और अपनी ग्रैंड i10 भी खड़ी है इस वीडियो में, साथ में अपनी स्विफ्ट भी खड़ी होगी। उन सबसे इसकी रोड प्रेजेंस कितनी ज़्यादा बल्की लग रही है। यहाँ पर आपको नैनो भी दिख रही होगी अपनी रोड पे। उसके सामने अगर हम देखें तो क्या ही इसकी ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस जो है अपनी दिखने लग रही है। तो क्या ही गजब का इसका मैं आपको रोड प्रेजेंस आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार इसकी रोड प्रेजेंस लग रही है। बलेरो से आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन उसके बावजूद इस सेगमेंट में अपनी बहुत ही शानदार लग रही है ये।
ये जो अपनी गाड़ी है अपनी 4 मीटर के अंदर आती है, उसके साथ आपको इसकी लेंथ तो नहीं लेकिन इसकी जो हाइट है वो आपको पूरा एक्सयूवी वाला एक फील देने वाली है, जो कि एक ज़बरदस्त बात है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाएगी, इसमें जो अपना टायर है उसके जो बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि अपनी गाड़ी जो है लोडेड है। इसके साथ साथ अपना आपको जो है एक एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वही अपना नॉर्मल एंटीना आइडेंटिटी वाला, उसके साथ अगर इसमें अपना, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो अपने टायर साइज़ रहने वाला है अपना 16 इंची या फिर 17 इंची के बीच में रहने वाला है, और जो अपना इसमें मिल रहा है अपना डायमंड कट अलॉय व्हील भी हमको इसमें मिलने देखने के लिए मिल रहा है। स्टार्टिंग में हमको सी शेप अपनी LED DRLs मिल रही हैं, और अपना जो है हेडलैम्प्स और जो अपनी ग्रिल है बम्पर है ये सब फिर से अपना रिफ्रेश एकदम नया तरीके से उन्होंने बनाया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इसमें दिख रहा है। हम गाड़ी के पीछे से अगर लुक देखते हैं तो इसमें सीधा सीधा हमको एक सिंपल सी अपनी कनेक्टेड टेल लैम्प दिख जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं रात में। और साथ में इसका बूट स्पेस की हम बात करेंगे, प्लस इस ये जो रहने वाला है ये टॉप मॉडल आपको उस फोटो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक बैक वाइपर भी इसमें दिखाई देगा। बात करें हम गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसमें अपना 7 इंची का अपना जो है एंड्रॉयड सिस्टम हमको देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस ये जो है मैनुअल वेरिएंट है, इसके साथ में आपको इसमें एक पैनोरामिक सनरूफ का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ये जो अपनी गाड़ी है ये आने वाली है अपनी 5-स्टार रेटिंग के साथ, और अपने इसमें होंगे 6 एयरबैग्स। बूट स्पेस की बात करूं तो बहुत ही शानदार इस बार हमको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है, तो भाई मस्त बेस ट्यूब रखो शानदार तरीके से, इसमें कुछ भी भर के ले जाओ भाई। ये जो अपनी गाड़ी है अपनी इंडिया की सेफेस्ट कार में से एक रहने वाली, क्योंकि जो अपनी 5-स्टार इसको रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में, उसके साथ में आपको और फीचर्स भी इसके बता देता हूँ। उसमें मिलने वाला है अपने साथ में हिल होल्ड असिस्ट मिलने वाला है, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP जिसको हम बोल देते हैं, और अपनी साथ में ये आने वाली है 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ। तो भाई इतना सब कुछ इस गाड़ी में हमको मिलने वाला है, तो भाई एक प्रॉपर एक SUV का आपको जो फील देगी सेफ्टी के साथ, बहुत ही शानदार गाड़ी ये आने वाली है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो उसमें ये अपना मैनुअल रहने वाला है ये वाला वेरिएंट, इसके बाद जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा उसमें वो जो है अपना वो रहने वाला है ऑटोमेटिक, तो उसमें आप सीधा सीधा एक सनरूफ भी देख रहे होंगे। ये जो फ़ोटो दिख रही है ये अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और अपना इसमें अपना क्रूज़ कंट्रोल से लेके आपको सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है, बहुत ही शानदार। आप स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो वो अपना वही वाला रहने वाला है, बस सम मतलब कुछ उसके टचेस हैं लेदर जो आपको दिख रहा होगा, एक लेदर फिनिश आपको दिख रहा है करके, ये चीज़ कुछ जो है अपनी अलग दिखने वाली है इस बार इसके स्टेयरिंग व्हील पर। इसमें आपको अपना एक आर्म रेस्ट भी दिख जाएगा, जो कि हमको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लगवाना पड़ता है, तो आप भाई देख सकते हैं इसमें इतने सारे आपको फीचर्स एक साथ, एक फीचर्स का एक पूरा पैक मिल रहा है एक साथ। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसमें ये जो अपनी गाड़ी है वो काफ़ी हमको बल्की दिख रही है, और साथ में हमको ना इसमें अपना एक एयर इनटेक भी हमको दिखने वाला है, जैसे हमको स्कॉर्पियो में दिखता है वैसा ही सेम हमको इसमें भी दिख। तो कैसी लगी आपको अपनी महिंद्रा 3XO की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, तब तक के लिए धन्यवाद और राम राम।